नरसिंहपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गोटे गांव विधानसभा सीट SC जहां से विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति जीते, उन्हें 79,289 वोट मिले, जबकि भाजपा के डॉक्टर कैलाश जाटव चुनाव हार गए, उन्हें 66,706 वोट मिले। जीत का अंतर 12,583 वोट का रहा। 2013 और 2008 के परिणाम देखें तो BJP और कांग्रेस के हाथ बाजी लगी। वहीं नरसिंहपुर विधानसभा सीट के विधायक जालम सिंह पटेल हैं, जो भाजपा से हैं। 2018 के चुनाव नतीजों को देखें तो भाजपा के जालम सिंह पटेल जीते, उन्हें 87,837 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को 72,934 वोट मिले। जीत का अंतर 14,903 वोट का रहा। 2013 और 2008 के परिणाम पर नजर डालें तो BJP और कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसी तरह तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट को देखें तो यहां से कांग्रेस के संजय शर्मा हैं। 2018 के नतीजों पर नजर डालें तो जीत कांग्रेस के संजय शर्मा के हाथ लगी, जिन्हें 70,127 वोट मिले। वहीं भाजपा के विश्वनाथ सिंह को 61,484 वोट मिले और जीत का अंतर 8,643 वोटों का रहा। 2013 और 2008 के नतीजों पर नजर डालें तो BJP कांग्रेस विजयी रहे। नरसिंहपुर की गाड़रवारा विधानसभा सीट की बात करें तो अभी वहां से कांग्रेस की सुनीता पटेल विधायक हैं। 2018 चुनाव परिणाम को देखें तो जीत कांग्रेस की सुनीता पटेल को मिली थी, उन्हें 79,342 वोट मिले, जबकि हार भाजपा के गौतम सिंह पटेल को मिली थी, जिन्हें 63,979 वोट मिले, जबकि जीत का अंतर 15,363 वोटों का रहा। 2013 और 2008 के नतीजों को देखें तो BJP कांग्रेस के हाथ बाजी लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज हम हैं भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर में और बात करेंगे वोट यात्रा में यहां के तमाम गणमान्यों के साथ, जनता के साथ, और जानेंगे क्या है यहां का सियासी मिजाज। बात करें तो महाकौशल की मिठास भी है। चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने स्थानीय साथी गणेश के साथ और जानेंगे क्या है इस शहर के बड़े चुनावी मुद्दे। गणेश, आप तो इस शहर में रह रहे हैं, लगातार इस शहर को देख रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, दावे हैं, डबल इंजन की सरकार के प्रतिनिधि हैं, पुरानी कांग्रेस सरकार के लोगों को भी इस जिले से जिताया गया है, वास्तविक स्थिति है क्या? वास्तविक स्थिति ऐसी है कि मतलब यहाँ पे जो चुनाव आते हैं उस समय बड़े बड़े वादे होते हैं और जनता भी उन वादों में लुभाने में आ जाती है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो स्थायी मुद्दे हमेशा बने हुए, जैसे यहाँ के किसानों के मुद्दे, किसानों का गन्ना भुगतान का मुद्दा हमेशा स्थायी रूप से बना रहता है। बेरोजगार यहाँ पे मुद्दा है, स्थायी कोई फैक्ट्री या एजेंसी यहाँ पर आए जो यहाँ को रोजगार दे वो मुद्दा है। यहाँ पे सुशासन बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ हितग्राही को लाभ नहीं मिल रहा है बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं भ्रष्टाचार करते हैं, खराब सड़कें बनाते हैं, खराब निर्माण करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं, तमाम बड़े मुद्दे हैं और तमाम बड़े चेहरे भी यहाँ पर है। अगर नरसिंहपुर की एक खासियत, सामान्यता इस पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन इस जिले को हम देखेंगे तो 4 सांसद मिले हुए हैं, 4 सांसद इस तरह से, एक केंद्रीय मंत्री है जो भले ही इस जिले का प्रतिनिधित्व नहीं करते लेकिन उनका खुद का ये जिला है, दूसरे केंद्रीय मंत्री है उनके पास यहाँ की एक विधानसभा है, तीसरे यहाँ के स्थानीय सांसद उदय प्रताप है और चौथे राज्यसभा सांसद। चलिए पहले कैलाश सोनी जी के पास पहुँचते हैं। सर, डबल इंजन की सरकार बार बार बात होती है, केंद्र में आप, मध्य प्रदेश में आप, यहाँ पर भी आप लोगों के चेहरे, बावजूद इसके ये शहर कस्बे जैसा क्यों दिखता है? 30 वर्षों तक लगातार मध्य प्रदेश के नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी भी फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर, 30 वर्षों तक उनकी हुकूमत रही और उनने इसकी चिंता नहीं की। हमारे आने के बाद ये आपका जो मेन सड़क दिख रहा है, विशेषकर नरसिंहपुर का जो ये बाटल नेक था, इसको चौड़ा करके सीमेंट रोड का निर्माण और पूरी ये मॉडल रोड नरसिंहपुर शहर की, न केवल शहर की, शहर के आसपास 50-50 करोड़ की ये सीमेंट रोड है, नर्मदा नदी के ऊपर इतने पुल, इस शहर के भीतर सारे निर्माण जो यदि हुए हैं तो वो डबल इंजन की सरकार के द्वारा। चलिए बड़ा दावा है, इस शहर के तमाम बड़े निर्माण डबल इंजन की सरकार के द्वारा हुए हैं, कितनी सहमति असहमति है एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे।
मानते हैं आप ये तमाम दावे जो है डबल इंजन की सरकार में यहाँ विकास हुआ और विकास भी ऐसा कि शहर को शहर कहा जा सकता है? विकास की परिभाषाओं को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, आज यहाँ तमाम युवा साथी हमारे बैठे हैं, नरसिंहपुर में सौंदर्यीकरण के हिसाब से, नरसिंहपुर की खूबसूरती के हिसाब से और इस तरह इस शहर में जिस तरह से व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो विगत 20 वर्षों के इस पूरे कार्यकाल में रोड का निर्माण होना, ये सारी नियमित प्रक्रियाएं हैं जो हर 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 जगह होती हैं, परंतु आज इस प्रश्न का जवाब भी देना चाहिए और हम सभी लोग चाहते हैं कि आज नरसिंहपुर दूसरे जिलों से इतना पिछड़ा क्यों है। चलिए, भाजपा कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप और इस बीच में आ गया है आम आदमी। आम आदमी की बात फिलहाल तो आम आदमी पार्टी से ही जान लेते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में तो अब तक रही नहीं है। आपको क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम बड़े दावे हैं, इन बड़े दावों में आप क्या मानते हैं? ये बताइए कि भाजपा ने ज्यादा काम किया या कांग्रेस ने ज्यादा काम किया? कांग्रेस और बीजेपी ने काम किया ही नहीं। जो मूल मुद्दे हैं यहाँ रोजगार के हैं, किसानों का जो मुद्दा है, ये सब ये जो बरगलाने वाली बात है, यहाँ पे नरसिंहपुर में यहाँ कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यहाँ कोई अच्छा शिक्षा संस्थान नहीं है, यहाँ कोई ऐसी कोई रोजगार के संसाधन नहीं है जिससे कि हमारे युवा उनमें रोजगार प्राप्त कर सके। आम आदमी पार्टी का तो ये दावा है लेकिन गणमान्य काफी बैठे हुए हैं। भगवान नरसिंह की नगरी है, अगर थोड़ा दूर जाए बरमान है, ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की, यहाँ पे अध्यात्म का समावेश है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है, लेकिन इन तमाम आशीर्वादों को फलीभूत होते हुए ये शहर जो है वो देख नहीं पाता। भाई साहब, आप अपने शहर की तस्वीर से कितना संतुष्ट नजर आएंगे फिलहाल की स्थितियों में? जैसा कि आपने पहले ही कहा था, कसवा बस्ती दिखती है। ये जिला मुख्यालय और पुराना अंग्रेजों के बाद जो जिला मुख्यालय बने थे उस टाइम का यह जिला है, पुराना प्राचीन जिला है। आज जो स्थिति इतने वर्षों में 50 वर्षों में जो होना चाहिए थी वह है नाम मात्र है, जो विकास से पूरी तरह से वंचित कह सकते हैं हम। जो विकास आज होना चाहिए था यहाँ पर जमीनी स्तर पर नहीं दिख पाया है, जमीन पर विकास दिखा नहीं। दरअसल हम देखते हैं कि हरियाणा पंजाब की बात होती है, वहां के शहरों की बात होती है, वहां एक अलग रौनक नजर आती है क्योंकि वो कृषि प्रधान प्रदेश है। लेकिन इस जिले की बात करें तो ये भी कृषि प्रधान है और यहाँ तो गन्ने की मिठास भी है, फैक्ट्रीज भी है, लेकिन किसानों को गन्ने का सही दाम भी नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? जहां तक किसानों की बात है तो मेरे ख्याल सबसे अधिक समृद्ध किसान इस नरसिंहपुर जिले में, एशिया की सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि कलमेटा हाट इस नरसिंहपुर जिले में। आपने अभी हरियाणा और पंजाब की बात की, हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों किसान इस जिले में आकर उन्नत खेती कर रहे हैं और उन्हें सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और वो दिन रात तरक्की कर रहे हैं। वहां का किसान यहां आ रहा है। अभी यहां तक विकास की बात की, विकास मॉडल की बात, विकास मॉडल की बात हमारे कांग्रेसी मित्र कर रहे थे। विकास मॉडल की बात होती है छिंदवाड़ा विकास मॉडल, बड़ा प्रदेश में हल्ला होता है छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा का मजदूर हमारे यहाँ काम करने आता है। हमारे यहाँ माननीय कमलनाथ जी को आप ये संदेश दे देना कि उनके यहाँ का हजारों की संख्या तादाद में मजदूर इस नरसिंहपुर जिले में हमारी गन्ना क्षेत्रों में काम करने आता है, हमारे यहाँ काम करता है। जहां तक चिकित्सीय शिक्षा का बात है, चिकित्सा का बात है, हर्रई बटका जो भी छिंदवाड़ा का जिले का हमारा एरिया लगा है, वो इलाज कराने के लिए गरीब आदमी वहां का आदमी हमारे यहाँ आता है। छिंदवाड़ा का आदमी नरसिंहपुर में इलाज करा पाता है? इतनी सुविधाएं यहाँ पर है स्वास्थ्य की, थोड़ा बताइए तो विकास मॉडल तो आपका छिंदवाड़ा है। देखिए, कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है ये, और जहां तक सुविधाओं की बात है तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा या नरसिंहपुर में चिकित्सा सुविधाओं में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। अब इनकी बात एक और बात थी कि वहां का मजदूर यहां काम करने आता है, तो वहां का मजदूर के यहां काम करने आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहां के मजदूरों को वो एक मिनट आता हूँ आपके पास भी आऊंगा। वो वनवासी क्षेत्र है और वहाँ एक या दो फसल से ज्यादा फसलें होती नहीं, यहाँ तीनों चार फसलें होती हैं। यहाँ पर वहाँ की क्षेत्र अपेक्षा यहाँ काम निश्चित रूप से ज्यादा मिलता है। इसके लिए कोई सरकार
कोई सरकार या कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये स्वाभाविक परिस्थितियां होती हैं। दूसरी से ये नर्मदा बेल्ट है, क्षमा करें, आपने सिंचाई की सुविधाएं आपने उपलब्ध नहीं कराई है, ये नर्मदा जी का कृपा है। नर्मदा जी की कृपा तो है, पर ये कृपा नरसिंहपुर में चुनाव में 2018 में बरसी क्यों नहीं? छूट गया ये शहर, गोटेगांव आप पहुंच गए, गाडरवारा आप पहुंच गए, तेंदुखेड़ा पहुंच गए, नरसिंहपुर में कहां रुक गया? देखिए, नरसिंहपुर शहर जो है ये जिला हेडक्वार्टर है, और जिला हेडक्वार्टर में जहां तक ज्यादातर जो है लोग थोड़ी बीजेपी मानसिकता के अधिक होते हैं, तो नरसिंहपुर शहर में लोग भाजपा की मानसिकता के हैं, तो ये तो मतलब बड़ा क्रेडिट जाएगा आपको, शहर में है पर जिले में नहीं है। नहीं, जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग हैं, विकास पर आधारित हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और निस्संदेह ये मानसिकता गांव में भी आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम संपूर्ण जिले में एक जैसा ही चल रहा है। पूरे जिले में भाजपा का काम एक जैसा चल रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 18 में स्कोर 3-1 था। चलिए, आपने इतनी सारी बातें कही, आपने उंगली भी उठाई, लेकिन जरा वो जो 3-1 है उसको क्या लाडली बहना मेकअप कर पाएगी क्या? बिल्कुल, 100% लाडली बहना योजना अति महत्वाकांक्षी योजना है, और इससे इससे पूरे ही महिलाओं को, यहाँ तक कि कांग्रेस मानसिकता वाली महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। तो कांग्रेस मानसिकता की महिलाएं लाडली बहना योजना के साथ जाएंगी? वो नहीं जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी नारी सम्मान का प्रपत्र भरवाया है, वो नारी सम्मान में। आप हमें ये बताओ, 18 साल में इनको नारियों की याद नहीं आई, महिलाओं की याद नहीं आई? भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। बस कांग्रेस पार्टी, मुझे ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती? तो फिर आवाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर मुद्दे हैं आपके पास तो आप मुद्दों की बात कीजिए ना, नारे तो लगाते रहिएगा। चलिए, आप जल्दी बताइए, जल्दी, समय नहीं है, समय आप बताते जाइए, जो बात आप अपनी पूरी कीजिए। मैं कल जबलपुर से नरसिंहपुर आ रही थी, ट्रेन में मुझे कुछ महिलाएं पीछे के कोच में मिली, मैं आगे बैठी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कांग्रेसी हूँ क्या हूँ। मैंने उनकी बातों को सुना, उन्होंने कहा कि 1-1,000 रुपए डाल रहे हैं मामा जी, और हम लोगों को सब पता है काहे के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि 3 महीने में भी चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ लालच दिया जा रहा है, ये आपकी लालच। ये जो बात है कि आपको चुनाव के समय जो है दीदियों की याद आई, बहनों की याद आई, वास्तविकता हमको याद आई है, हम दे भी रहे हैं, मगर हमारी योजना को नकल करके कांग्रेसी फॉर्म भरवा रहे हैं, ये कहाँ की उनकी नीति है? चलिए उधर देखते हैं, आम आदमी पार्टी की टोपियां नजर आ रही है, एक बार सारे लोग खड़े तो हो जाइए आप। आम आदमी, ये बताइए, क्या आप अपनी उपस्थिति इस बार दर्ज करवाने वाले हैं? अभी जो लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना की जो बात चल रही थी, मतलब बीजेपी कांग्रेस इस योजना को जो है अपने अपने तरीके से लागू करना चाहती है। दरअसल ये योजना जो है ये आम आदमी पार्टी की बेसिकली योजना है, जो कि 1 अगस्त से पंजाब में लागू होने जा रही। ये दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी की योजना की नकल कर रही हैं। जी जी जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, सुन तो लीजिए, ना 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 ना, सुन लीजिए ना, मैं आऊंगा आपके पास भी, सुन तो लें जी। अगर पिछले दशक की, अगर कांग्रेस शासन की अगर हम बात करते हैं, तो नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से वित्त मंत्री 15 वर्ष तक वित्त मंत्री नरसिंहपुर से रहे, उसके बाद अभी वर्तमान सरकार में अगर बात करें तो वर्तमान संस्कार में 4 सांसद नरसिंहपुर जिले से, 4 सांसद, उसके बाद 4 विधायक, उसके बाद हमारे नरसिंहपुर जिले की हालत आप देख रहे होंगे अपने चैनल के माध्यम से। यही हालत ऐसी क्यों है, ये माजरा ऐसा क्यों है? मेरा तो सिर्फ कांग्रेस से एक सवाल है कि आज के पॉलिटिकल व्यू में कांग्रेस नरसिंहपुर जिले में कहाँ है? ये जो कांग्रेस है, राजनीतिक नक्शा, पॉलिटिकल व्यू, आपकी पार्टी कहाँ पर है इसमें? आप ही बताइए। चलिए, हाँ आप बताइए भैया, जरा थोड़ा शांति से। मैं यहाँ जितने भी भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं,
तमाम और जो यहाँ पर डायस पे मौजूद है सम्माननीय जन, मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप शिवराज भाजपा के हैं, महाराज भाजपा के हैं या नाराज भाजपा के हैं? सबसे ये आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आजकल बड़ा चल रहा है, जयवर्धन सिंह कह रहे हैं, कहीं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, इसका इम्पैक्ट ये महाकौशल और नरसिंहपुर में भी है। केवल इन्हीं मुद्दों के आधार पे कांग्रेस जिंदा रहना चाहती है। देखिए अभी आप किसानी की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान में यदि आज किसानी हो रही है तो यदि नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते तो ये बिजली नहीं मिलती। दिग्विजय सिंह के जमाने की बिजली हमने देखी है। अभी आपको मालूम है कल MSP घोषित हुई है 400 रुपया तुअर पे और 370 रुपया उड़द पे, 10.4% आपका आपने मूंग के ऊपर और आपके 9% आपका अभी जो इतना MSP दिया है, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई हुकूमत नहीं आई जिसने किसानों के लिए इतना काम किया हो। किसानों के लिए इतना काम किया, ये बार बार दिग्विजय सिंह के शासनकाल में क्यों पहुंच जाती बीजेपी? देखिए 10 साल UPA सरकार रही, सीधी सीधी बात है, नरसिंहपुर जिला जो है दलहन प्रधान जिला है और यहाँ पर हमेशा दलहन ज्यादा अधिक होता है और पूरे 10 साल पहले 10,000 तो कोई किसान बैठा होगा जो ना भाजपा का होगा ना कांग्रेस का होगा, ऐसा कोई किसान? वो भाई साहब वो जी हाँ भाई साहब, क्या कर्ज माफी? हाँ कर्ज माफी, कांग्रेस ने कहा था हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे 2 लाख तक, क्या हुआ? नहीं हुआ। और अभी शिवराज मामा जी ने घोषणा की थी हम ब्याज माफ करेंगे, उसमें भी कैटेगरी लगा दी, संपूर्ण किसानों का ब्याज माफ नहीं किया। और दूसरी चीज ये है कि जो मंडी चुनाव है, 2 पंचवर्षीय हो गए आज तक मंडी चुनाव क्यों नहीं कराए, जवाब दें। मंडी चुनाव देखिए जायज सी बात है कैलाश जी, किसानों का प्रतिनिधित्व तो चाहिए, दाम की बात तो चाहिए, मंडी में ईमानदारी तो चाहिए, व्यापारियों से मुक्ति तो चाहिए, फिर चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और जब वहाँ के डायरेक्शन होंगे तब चुनाव होगा। मामला चुनाव अदालत में चला गया, आपका हाथ उठा है, बात क्या है? कुछ आपका जो हम देख रहे हैं कि बड़ा अनुभव होगा आपकी, सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछ, माथे पे तिलक, ये अनुभव के आधार पर बड़े ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या विकास हुआ है। बड़ी ईमानदारी से पूरी सत्यता के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे विकास के रास्ते सड़क से होकर आते हैं। इस देश में एक व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा प्रधानमंत्री सड़क, पूरे गांव में सड़कें खुल गई। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किसी ने दी है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दी है, वहां से देश का विकास हुआ है। मित्रों विकास के रास्ते खोलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी है। मैं दोबारा मुझे कैलाश जी के पास जाना पड़ेगा, दरअसल कुछ याद आ गया। मैं आता हूँ पिपरिया से तो मैं रुक जाता हूँ बनखेड़ी में, मैं आता हूँ जबलपुर से तो मैं रुक जाता हूँ दूल्हादो से आगे। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है आरओबी क्यों नहीं बन पाते? डबल इंजन की सरकार है तो ये इंजन क्यों रुक जाता है? मैं ये कह रहा था आपसे डबल इंजन की सरकार है लेकिन रेलवे क्रॉसिंग आप पिपरिया से आओ बनखेड़ी में रुक जाते हैं, जबलपुर से आओ तो आप दूल्हादेव के आगे रुक जाते हैं, ये आरओबी क्यों नहीं बन पाता, ये इंजन कहाँ रुक जाता है? हिंदुस्तान के इतिहास में इतने ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज जो हिंदुस्तान की जनता महसूस कर रही है, करोड़ों आदमी रेलवे फाटक पे खड़ा होता था, आज हमारे जिले में 3 पुल बन करके तैयार हो गए, वो हमारे अंडर ब्रिज जो है 5-6 अंडर ब्रिज जो है तलके बन के तैयार हो गए, ये 60-70 साल कांग्रेस की हुकूमत ये ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बना क्यों नहीं पाई? ये सवाल तो आपसे भी बनता है, आपकी सरकार के दौरान लाखन सिंह जी कितने रेलवे ओवर ब्रिज बन गए थे? नहीं बना। अच्छा उधर से बताइए तो थोड़ा सा, एक मिनट जरा उधर की तरफ देखते हैं, इशारा क्या हो रहा है आप ये बताइए फिलहाल। हाँ बिल्कुल ये सफेद मूंछों के बाद काली मूंछें, नरसिंहपुर में 3-3 ब्रिज बने हैं,
ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने सेंसर करवाए थे ना कि आप ने करवाए। कांग्रेस के पैसा है, कांग्रेस ने पचौरी जी सेंसर करके गए थे। पचौरी जी सेंसर करके गए थे, चलिए मान लिया यहाँ पर। चलिए अब इस मुद्दे को विराम देते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। युवाओं की बात करते हैं, युवा ही इतिहास लिखते हैं, युवा ही इतिहास बदलते हैं। कुछ युवा चेहरों के पास चले चलते हैं, जो किसी पार्टी से ना हो, ऐसा कोई युवा है क्या? चलिए कांग्रेस और भाजपा के युवाओं से ही बात कर लेते हैं। युवाओं के लिए क्या किया कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसे अभी सलूजा जी ने कहा कि वहां के मजदूर यहां आते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, हमारे युवा कहां जाते हैं? हमारे युवाओं को रोजगार ना भाजपा दे पाई है ना कांग्रेस दे पाई है। तो हम ये चाहते हैं कि रोजगार के लिए आपने एक फैक्ट्री लगाई है क्या? एक फैक्ट्री यहां पर लगी है क्या रोजगार के लिए? ये क्या एक ऐसा संसाधन लाए हैं आप जिससे रोजगार मिल सके? और मैं एक बात के लिए, युवाओं के लिए कौन सी फैक्ट्री लगा दी आपकी सरकार ने? बहुत अब यदि आपने अभी एक, मैं फैक्ट्रियों की बात से थोड़ा सा हटके बात करना चाहूंगी। महिलाओं के लिए इतने लाडली लक्ष्मी से लेके जननी सुरक्षा तक कितने सारे आयाम जो और योजनाएं जो दे रखी हैं, और बहुत सारे यूथ के लिए जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं और बहुत सारे रोजगार स्थापित किए जा रहे हैं, इन सबको लेके। बाकी यदि देखा जाए, और हमारी एक बहनों ने, अभी हमारी बहन ने कहा था वो आगे वाली बोगी में बैठी थी और पीछे वाली बोगी की बहन की बात सुन रही थी, तो ये अंतर है। अभी बहन को ये कैसे पता चला कि 1500 रुपए जो कि इनके प्रोटोकॉल उसमें नहीं है, घोषणा पत्र में नहीं है, और इनको पता चल जाता कि वो देना है, और उसके बाद सिर्फ ये छलावा, जो छलावा है ना, इन्हें छोड़कर इन्हें आना चाहिए। और ये जो यहाँ पे कॉलेज जो है, कौन कौन से हैं यहाँ पर? इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, इस जिले में माननीय वित्त मंत्री अजय नारायण मुसरान जी के नाम पर ही कॉलेज का नाम होता था, ये कांग्रेस थी। आज जितने भी कॉलेज हमने जो कॉलेज के नाम रख, किसी के पर्सनल नाम पर नहीं है। आज स्वामी विवेकानंद के नाम से हमारा पीजी कॉलेज है, जो युवाओं के लिए हर प्रकार की वहाँ पर शिक्षा का संस्थान उपलब्ध है। हम कोई व्यक्तिगत नाम से कोई काम नहीं चलाते, इस शहर में जितने भी काम किए हैं सब व्यक्तिगत नाम पर है। अच्छा, ये तो बताइए, मेडिकल कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होना था यहाँ? मेडिकल कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज पे अभी भी प्रोसीजर अभी चल रही है और प्रस्तावित है। आपके छिंदवाड़ा में तो मेडिकल कॉलेज पहुँच गया, नरसिंहपुर में क्यों नहीं पहुँचा? चार चार सांसद है, चारों सांसद अपने अपने नाम से एक एक कॉलेज खुलवा दे तो धन हो जाएगा यहाँ का युवा और बेरोजगार। कैलाश जी, सांसद जी, क्या किसी बड़े कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, एग्रीकल्चर कॉलेज की सौगात आप लोगों की तरफ से मिलने वाली है इस शहर को? निश्चित रूप से होगा, ये भी होगा। हम तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की, और अभी जितने हिंदुस्तान के इतिहास में 100 से अधिक मेडिकल खोलने वाली ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, हिंदुस्तान के इतिहास में जितने अभी हमने एम्स खोले हैं, जितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं आजादी के बाद कभी नहीं खोले। और नरसिंहपुर जिले में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, नरसिंहपुर जिले में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ये आश्वासन है। तदी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, मां नर्मदा का आशीर्वाद तो है, आपको भी है, लेकिन मां नर्मदा का कितना ख्याल, वृक्षारोपण का वादा था, गंदगी से बचाने का वादा था, मां नर्मदा की नहरों को हर खेत तक पहुंचाने का वादा था, कितने वादे पूरे किए आपकी सरकार ने? आपने मां नर्मदा जी की बात की, मैं कांग्रेसी मित्रों से एक बात पूछना चाहूँ। आप अपना तो बता दीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ ये नर्मदा जी की, हर हर नर्मदे की जो बात कर रहे थे, हमारे नरसिंहपुर जिले में सबसे बड़ा मेला बरमान का लगता है, और माननी चूंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है मुसरान साहब, उन्होंने जब कहा था कि ये पुल बनना चाहिए, ये प्राकृतिक जो मेला लगता है, मैंने कहा मढ़ई में क्या जरूरत है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननी कैलाश सोनी जी, आपने मुख्यमंत्री से किया और वो पुल बना है। आज मां नर्मदा का आने जाने के लिए सारी व्यवस्था बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी है।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं मां नर्मदा का नाम लेकर? कह रहा था कि आदरणीय चाचा जी करेली में अभी तक एमएलिया रोड नहीं बनवा पाए जो इनके घर के बिल्कुल पास में है। और हम आपको बता दे रहे हैं चाचा जी की बात का हम समर्थन करते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में और हमारी सरकार में खुलेगा। मौसम तो आम का है चाचा जी, चाचा जी मौसम तो आम का है लेकिन इमली बड़ी खट्टी है। बजट सेंक्शन होकर के 3.25 करोड़ की सड़क परसों टेंडर खुलने वाला है उसका, तब क्या जवाब देंगे? अब क्या चीज शेष रह गई? 3.25 करोड़ की सड़क इमलिया रोड, ये बजटिंग हो गई है और टेंडर उठ गया, टेंडर परसों खुल जाएगा इसका। चलिए इसका टेंडर भी खुल जाएगा, ये भी एक बड़ा वादा है लेकिन अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस बीच में चूंकि थोड़ी सी गर्माहट पड़ गई है तो एक अच्छा सा वादा आप लोगों से ले लेते हैं, सुनिए तो एक वादा आप लोगों से ले लेते हैं पहले, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, वोट करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप लोग थोड़ा सा खड़ा होके एक बार अपना हाथ आगे करके ये वादा तो कर दीजिए कि आप खुद तो वोट करेंगे ही, लोगों से भी जरूर वोट डलवाएंगे अपने आसपास के, ये वादा आप लोग करते हैं हाथ आगे करके? चलिए धन्यवाद, आप लोग वापस बैठिए, वापस मुद्दों की बात करते हैं। ये भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आम आदमी, सबने ये वादा किया है। वैसे नरसिंहपुर जिले का आमतौर पे वोटिंग परसेंट कितना रहता है लखन सिंह जी, अगर बात करें तो? अभी हमारे साथी ने कहा कि एक सरकारी संस्था का नाम विवेकानंद महाविद्यालय का किया गया, और साथियों आप सब जानते हैं, शहर के जिलेवासी जानते हैं कि स्वर्गीय मुशान साहब ने जिन महाविद्यालयों की, जिन संस्थाओं की नींव रखी, उनका नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्याम चंद्र नारायण मुशान के नाम से हुआ। नरसिंह भवन नरसिंहपुर जिले का दूसरे जिलों में एक बहुत बड़ा उदाहरण बना कि जिसको मिनी सचिवालय लोगों ने कहा है। और अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जहां हम बैठे हैं इसमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं हमारे बीजेपी के तमाम निर्वाचित और पदाधिकारियों से बोलना चाहता हूं, मैं नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हूं, नरसिंहपुर जिले के सबसे बड़े वार्ड से निर्वाचित होकर आया हूं। पिछले 8 महीने से लगातार लिख के देने के बाद भी नरसिंह तालाब जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच आज तक कराई नहीं गई। भगवान नरसिंह के नाम का तालाब है लेकिन हमसे भी एक गुस्ताखी हो गई, हम तो 4 सांसद की बात कर रहे थे, इन्होंने 5वें सांसद की याद दिला दी। विवेक तनखा जी, तनखा जी ने क्या सहयोग कर दिया इस शहर और इस जिले के विकास में? सुनने की क्षमता रखिए साथियों, ये ना बोलिए सुन लीजिए, सुनिए तो। तनखा जी ने जो नरसिंहपुर जिले को दिया है, अगर इसका पूरा वर्णन करूं बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी साथियों, ज्यादा दूर मत जाइए। 20 नवंबर में एक 20 एक सेकंड भाई आप पर बोल लेना, अरे भाई 20 नवंबर को राहत शिविर नरसिंहपुर में, रोटरी राहत शिविर का आयोजन किया गया। 25,000 नरसिंहपुर जिले और आसपास के जिले के मरीज वहां पहुंचे थे जिनकी पूरी निःशुल्क चिकित्सा कराई गई, और वो इस बात का एक बहुत बड़ा ये आईना दिखा रही है सत्ता पक्ष के लोगों को कि आपकी चिकित्सा व्यवस्था क्या है, कि 25,000 लोग 2 दिन के अंदर उस शिविर के अंदर जाते हैं। और राजा तनखा साहब की उपलब्धि का नरसिंहपुर में आज हर किसी मरीज को, चाहे वो भाजपा का हो कांग्रेस को हो, अगर उसको ब्लड मिल रहा है तो माननीय तनखा साहब के सौजन्य से मिल रहा है रोटरी ब्लड बैंक के माध्यम से। चलिए मैं बात कर रहा हूँ, लगातार जिक्र हो रहा है, लगातार बार बार हो रही है बात, और तनखा जी पे आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए बोल दीजिए। आदरणीय मेरे बड़े भाई जो कह रहे हैं कि तनखा जी ने शिविर लगाया था, जो पैसा निकला है वो मोदी जी के आयुष्मान कार्ड योजना से निकला है, इनका कुछ नहीं है, सब हमारा ही लगा के अपना स्लोगन लगा देते हैं। आप बताएं इनकी उपलब्धि क्या है, 1.5 साल में इनकी क्या उपलब्धि रही? सर ये सरासर गलत जानकारी है, ये नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप लोग विषयांतर करके और गलत बात बोल के लोगों को भटकाते हैं। यही कला आपको अभी तक बनाए रखे हुए है। तनखा जी की बात आप कर रहे थे, मैं यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, सुनिए, ये रोटरी 1 मिनट ये जो रोटरी
ये जो रोटरी ब्लड बैंक है मेरे रोटरी के प्रेसिडेंशियल कार्यकाल में चालू हुआ है। इसके दौरान जितने भी कैंप लगे हैं, आप जरा शांति से ध्यान से सुनिए, जितने भी कैंप लगे हैं आदरणीय तनखा साहब जी के, सांसद दीदी के सहयोग से बने हैं या रोटरी क्लब के माध्यम से बने हैं। एक मिनट। और अभी हाल में आपको एक ताजी बात बता देते हैं। अभी हाल में नरसिंहपुर नगर पालिका के अंतर्गत मुसरान वार्ड में 5 लाख रुपए की सांसद निधि माननीय विवेक तनखा जी के द्वारा दी गई है। इसके और वो पार्षद के आग्रह से दिया गया है। बिल्कुल। हाँ, ये बड़ी बात है कि तनखा जी ने काम तो किया लेकिन ये इसमें भी मुसरान वार्ड आ गया। चलिए, इसके बाद अभी हम आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं। भाई साहब, ये बताइए, ये इतने सारे मुद्दों पे बात हो रही है, आम आदमी के पार्टी में कुछ है क्या, आपके पास कुछ अलग सा मुद्दा? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कृषि विश्वविद्यालय जो यहाँ नरसिंहपुर में एनटीपीसी मत से खुलना था वो यहाँ से दूसरी जगह चला गया। हाँ, चला गया, शिवपुरी चला गया। अब यहाँ के भाजपा और कांग्रेस से आई जो लोग हैं, पक्ष पे पक्ष की बात। पहले ये तो बताइए, ये वो कांग्रेस वाले सिंधिया जी के जमाने में गए, भाजपा वाले? कैलाश सोनी जी, भाजपा वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ का कृषि विद्यालय उड़ा के शिवपुरी ले गए क्यों? कोई भी आरोप लगाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने कहा कि हम मध्य प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने वाले, एग्रीकल्चर कॉलेज, और जहां तक आपने तनखा जी के जो शिविर की बात कही, हम उनको धन्यवाद देते कि उन्होंने एक अच्छा शिविर लगाया, लेकिन उस शिविर में टोटल कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का और हमारे इंस्टीट्यूशन का था। हमारी एम्स थी, हमारा मेडिकल कॉलेज था, हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थी, जितने भी डॉक्टर साहब थे हम सब लोग भी उसमें कोलोबोरेट कर रहे थे। इसको पार्टी का कलर ना दिया जाए, ये सबके सहयोग से। नहीं, कुछ बातों में सियासत नहीं होनी चाहिए, कुछ बातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाथ कहीं ऊपर पीछे से भी उठ रहे हैं क्या जी? आप बताइए, तिलकधारी, अभी हमारी बहनें लाडली बहना का विरोध कर रही थी, कल परसों आम गांव में कुछ मित्रों ने लाडली बहना के फार्म बहनों को दिए और शिवराज जी की प्रशंसा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाडली बहना, ये लाडली बहना बड़े पीछे बैठी हुई है दीदी, वास्तविकता क्या, लाडली बहना या फिर नारी सम्मान? नारी सम्मान है, लेकिन मेरा यहाँ दूसरा है। सदन का ध्यान चाहूंगी थोड़ा सा, मेरा उद्देश्य आने का सिर्फ यहाँ कर्मचारी के तौर पे है, मैं सरकारी टीचर हूँ और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन है। मैं अपनी बात मैं बता दूं, मैं किसी का सपोर्ट करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ माननीय मेरे जिले के आदरणीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संवेदनशील सरकार की तरफ सिर्फ इशारा चाहूंगी या ध्यान चाहूंगी कि आपका कर्मचारी जो आपकी 60 वर्ष सेवा करता है उसका भी ध्यान रखा जाए। हमारा भविष्य एनपीएस के नाम पे गड्ढे में डाल दिया गया है जिससे हम निकलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत मैं आप सबके माध्यम से बात रखना चाहती हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सामने। कृपया, आप इतने संवेदनशील, नारी सम्मान के प्रति इतने दृढ़ निश्चयी हैं और अपने कर्मचारियों पर भी ध्यान दें, कृपया एनपीएस बंद करके सिर्फ और सिर्फ ओपीएस लागू करें। धन्यवाद। नेशनल पेंशन स्कीम से ज्यादा जरूरी हर सरकारी मांगता है ओल्ड पेंशन स्कीम। आप लोग कुछ सोच रहे हैं क्या इस बारे में कि ओपीएस लागू करेंगे या एनपीएस ही लागू रहेगी? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे या फिर एनपीएस पे ही चलते रहेंगे?
आपसे आपसे बहुत विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि ये पुरानी पेंशन का राक्षस मत जगाओ। ये 6% कर्मचारियों का मामला है, हिंदुस्तान भर का विकास कायम होगा। ये ओल्ड पेंशन से अभी हिमाचल में स्थापना व्यय 80% केवल नौकरों के लिए हिंदुस्तान का सारा पैसा है। कर्मचारियों का भी हित हो, आम जनता के निर्माण कार्य भी पूरे हो। वो जो पीछे दीदी बात कर रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम वाली, वो थोड़ा आगे आ जाइए। दरअसल ये मुद्दा जो है उसमें एक शब्द जुड़ गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ में राक्षस। क्या ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाकई में राक्षस नजर आती है? यहाँ पर इतने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उनके पिताजी और माताजी शायद अभी ओल्ड पेंशन ही ले रहे होंगे। देखिए किसने बंद की, किसने शुरू की, पूरा इतिहास आपको मालूम है। मेरा वर्तमान में सिर्फ मेरे कर्मचारियों के लिए मेरा हित बनता है। जवाब दीजिए ना, ये वाला जो सांसद जी का जवाब है वो थोड़ा मैं समझना चाहूंगा। ये गणित है, ये गणित थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि 80% कर्मचारी जो है उनको इससे कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ 6% कर्मचारियों का इससे सीधा वास्ता है। तो भाई 6% कहाँ से आ गए हैं? थैंक यू। तो ये भी सवाल है। चलिए ओपीएस की जरूरत है, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी बहुत सारे मुद्दे बाकी है। जी जी पाजी, इसके बाद आपकी बारी। अभी आपकी बार, आपकी बारी। अभी अभी मेरी आदरणीय बहन ने ओपीएस और एनपीएस की बात की, तो मैं अपनी बहन जो कि टीचर है उनको बताना चाहूंगा, ये जो एनपीआर ओपीएस की शुरुआत है, ये इसकी शुरुआत मिस्टर भंटाधार ने की थी। मिस्टर भंटाधार ने 500-500 रुपए और 300-300 रुपए में संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक। महन जी से पूछे कि इनको कांग्रेस शासन में कितना पैसा मिलता था। दीदी बहुत सारे सवालों के घेरे में आ गए, आपको डर नहीं लग रहा? कोई बात नहीं। माननीय शिवराज सिंह चौहान का बहुत बहुत आभार है। वाकई उनने हमें कहीं ना कहीं बहुत नीचे से ऊपर उठाया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वैसे उम्मीद ये करते हैं जो बात दिल से कही जा रही है, जो उनकी समस्या है उसमें इनकी भी तारीफ है, इनसे भी तकलीफ है, उनसे भी तकलीफ है, तो कभी भी सियासत का शिकार आम आदमी ना हो, ये गुजारिश आप लोगों से रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कोई भी परेशानी उनके लिए भविष्य में नहीं होगी। आप क्या कहना चाहते थे जी? ये बात बोलना चाहता था अपने साथियों से कि जी अंत्योदय की जब बात करते हैं तो ये 6% कैसे छूट जाएंगे? आखिरी व्यक्ति तक जब लाभ पहुंचाने की बात करते हैं तो 6% कर्मचारियों को कैसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं? अंत्योदय की बात है, 6% कर्मचारियों की बात है। जिला अध्यक्ष जी, कैडर बेस्ड पार्टी है, आखिरी कोने तक पहुंचती है लेकिन आखिरी कोना छूट रहा है। भाई साहब जाए ना, अंत्योदय की परिभाषा से वो अच्छी तरह से परिचित नहीं है। अंत्योदय का मतलब ये है देवेन जी, अंत्योदय का मतलब ये है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद कैसे हो। चलिए ये जानने की कोशिश भी कर लेते हैं कि अगर कोई जीता, भाजपा जीती, कांग्रेस जीती, आप जीती, तो करवाएंगे वो क्या? क्या करवाया ये तो जान लिया। बीजेपी अगर जीतती है, मौका मिलता है तमाम विधानसभाओं से, तो नरसिंहपुर के लिए क्या वादे हैं आपके? देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर काम करती है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरा प्रयास विकास के लिए किया और नरसिंहपुर में जो कमियां हैं, जैसी कि अभी जो बात आई आपके माध्यम से, और सब मेडिकल कॉलेज की बात करें तो प्रत्येक मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली। बाकी विकास बहुत नरसिंहपुर में हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है। सांसद जी आपको तो पूरे जिले के संदर्भ में पूरी जानकारी है, इतना लंबा अनुभव भी है, कौन सी बड़ी कमियां देखते हैं जिसको आप लोग अगली दरमियां अगर आपको मौका मिला, अगली दफा अगर मौका मिला तो आप जरूर पूरा करेंगे, कौन कौन से वादे हैं जनता के लिए? सबसे बड़ी हमारी नीड थी ग्राउंड वाटर लेवल की। ये सेलो ट्यूब वेल वाला जिला था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो ये बरगी की बाई तक 100 करोड़ की राशि केवल आपके लैंड एक्विजिशन के लिए दी, और बरगी यदि आई तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ग्राउंड वाटर लेवल के लिए दो बहुत नायाब अभी हमारे यहाँ बांध सैंक्शन हुए,
एक चिनकी का है जो 4200 करोड़ से ज्यादा का है, और एक हमारा खड़ई हतनापुर पे जो छिंदवाड़ा तक 95,000 हेक्टेयर जमीन को सींचेगा, उसका भी टेंडर हो गया। ये है 3824 करोड़ का, ये सैंक्शन हो गया, टेंडर लग गया, इसका काम लगना है। इसके साथ ही नर्मदा जी को शुद्ध करने के लिए 100 करोड़ से अधिक का प्लांट आपका बरमान में यह स्वीकृत हुआ है, और 200 करोड़ की अभी बातचीत चल रही है रोजगार के लिए चौरपाटा सर्किल में, यह हब बनने वाला है। अभी कम से कम हमारे 20,000 से 22,000 लोगों के लिए निजी कंपनियों में रोजगार दिए गए। इसके अलावा सारे दुनिया में राजनीति में यदि आजादी के बाद किसी ने हिंदुस्तान को स्थापित किया है तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए कांग्रेस से भी जान लेते हैं, लखन सिंह जी पिछले दफा मौका नहीं मिला, इस दफा मौका मिला तो किस तरह से आप जो है बड़ी उपलब्धियों की तरफ जाएंगे, वो बड़े वादे जो आप जनता के पूरे करेंगे? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ये मुख्य बात रहेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय कमलनाथ जी यहाँ बोल के भी गए हैं, और बोहानी में अनुसंधान केंद्र, ये हमारी जो है मुख्य जो है ये हमारी उपलब्ध। यदि हमारी सरकार आती है तो हम प्रत्येक ग्राम में 50 युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं ग्राम में ही ऐसी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे कि 50 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार जो हमारे ये मेन मुद्दे रहेंगे। सवाल यही है कि अंतिम व्यक्ति तक के मदद पहुंचनी चाहिए, उम्मीद भी यही है कि अंतिम व्यक्ति तक के मदद पहुंचनी चाहिए। नरसिंहपुर का हर बाशिंदा, चाहे वो तेंदुकेड़ा में हो, चाहे वो गाडरवारा में हो, चाहे फिर वो गोटेगांव में हो, चाहे वो मां नर्मदा के किनारे हो या फिर वो मां नरसिंह के दरबार में हो, उसकी हर उम्मीद को यहां से जो जीतेगा वो जरूर पूरा करेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए नरसिंहपुर से इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।